आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बीजेपी आरएसएस की समन्वय बैठक, अमित शाह चाहते हैं बीएसपी और एसपी का गठबंधन। शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। टीएस सिंहदेव का बयान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनी तो किसानों का कर्ज माफ। कांग्रेस का आरोप, कर्मचारियों का सरकार कर रही गलत इस्तेमाल। भैंसों की चोरी में पुलिस की हेराफेरी, तीन पुलिस वालों पर होगी कार्यवाही। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी गठबंधन नेताओं के साथ लखनऊ की समन्वय बैठक में अमित शाह ने कहा कि वे खुद चाहते हैं कि मायावती और अखिलेश यादव मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े, ताकि गठबंधन की भ्रांति दूर हो सके। देश की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लोकसभा 2019 में विपक्ष, खासकर मायावती और अखिलेश यादव जैसे यूपी के दो बड़े महारथी, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के लिए इसी रास्ते को रोकने की कोशिश में हैं। उत्तर प्रदेश के बदलते राजनीतिक समीकरण के मद्देनजर बीजेपी आरएसएस समन्वयक बैठक में चर्चा हुई। सपा और बसपा के गठबंधन से उभरने वाले राजनीतिक चुनौतियों पर भी बीजेपी की तरफ से कई नेताओं ने चिंता जाहिर करते हुए अपनी बातें रखी। इस बात पर अमित शाह ने पार्टी नेताओं से साफ कहा कि वह खुद चाहते हैं कि सूबे में सपा और बसपा जरूर गठबंधन करके बीजेपी से चुनाव लड़े, ताकि गठबंधन की भ्रांति भी दूर हो सके। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भले ही सपा बसपा के गठबंधन को लेकर चिंतित नजर ना रहे हों, लेकिन वाकई अगर दोनों दल साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बीजेपी के लिए 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 जैसे नतीजे दोहराना मुश्किल हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को ग्वालियर पहुंचे थे। उनके रोड शो के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए इस तरह उतावले थे कि उन्होंने गाड़ियां चलने वाली सड़क पर ही मंच बना दिया, और जब एक कार चालक ने उस रास्ते से जाना चाहा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसकी धुनाई कर दी। मध्य प्रदेश में जीत का चौका लगाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा के तहत बुधवार को ग्वालियर पहुंचे थे। इस दौरान सड़क पर उनका रोड शो निकला। फूलबाग मैदान के पास शिवराज सिंह चौहान के स्वागत के लिए हजारों बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर मौजूद थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही सीएम शिवराज सिंह चौहान का मंच लगा दिया था। तभी वहां पर एक कार आ गई। इसके बाद जब कार में बैठे शख्स ने रास्ते से हटने को कहा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसकी धुनाई कर दी। कांग्रेस पोल खोल अभियान समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी के जन अभियान परिषद पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगाया है और उसे सरकारी तोता कहा। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के लोग मिलकर सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने बताया कि जनता के टैक्स का शिवराज सरकार ने गलत उपयोग किया है। सरकारी नियुक्तियों में हेरफेर कर शिवराज ने बीजेपी के लोगों को नियुक्तियां दी हैं जो नियम के विरुद्ध हैं। गुप्ता ने बताया कि 500 समन्वयकों को आचार संहिता लगने के ठीक पहले एक साथ नियमित कर दिया गया, जबकि प्रदेश में 2.5 लाख कर्मचारी हैं जो अनियमित हैं। मध्य प्रदेश सरकार आपके जेब से, मेरी जेब से, जनता की जेब से पैसा निकालकर हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के प्रचार पर खर्च कर रही है। शासकीय कर्मचारी इस प्रचार को अंजाम दे रहे हैं। उन शासकीय कर्मचारियों के नियुक्तिकरण का
संस्थानों में उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही और शासकीय पैसे से पूरे प्रदेश का उनको देशाटन कराया जा रहा, उनके भेदभाव को टेस्ट किया जा रहा और उसके बाद उनको चुनाव में उतारा जा रहा। ये एक बहुत बड़ा जो है स्कैंडल है जिसमें जनता का लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं के नाम पर साइकिल किया गया और एक बड़ी जमात लगभग 30 से 40 हजार कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी धन से भारतीय जनता पार्टी का काम अंजाम दिया जा रहा है। गुप्ता ने बताया कि जन अभियान आशीर्वाद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। जन अभियान परिषद में सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग बीजेपी अपने निजी कार्यों के लिए कर रही है। भूपेन गुप्ता ने बताया इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग को भी की जा रही है। क्या है पूरी खबर, हम अपने संवाददाता सत्यम शर्मा से बात करेंगे। सत्यम, क्या है पूरी खबर और तोता कहाँ है, तोते जैसे शब्द का इस्तेमाल किया है? जी, मैं बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस भवन में भूपेन गुप्ता मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है जन अभियान परिषद जो कि मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है, उसमें उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की है और नियम के विरुद्ध जो 100% नियुक्ति को नियमित कर दिया है और वो भी आचार संहिता लगने के एक दिन पहले ही ये नियुक्ति की गई है, ये पूरी तरह से रद्द की जाए, ये मांग की है भूपेन गुप्ता ने और ये असंवैधानिक है क्योंकि सत्यम आचार संहिता के ठीक पहले की है तो इसका निर्वाचन आयोग से शिकायत करने की बात भी कही जा रही है। सत्यम जी, आरोप क्योंकि चुनाव का दौर है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। भूपेन गुप्ता ने ये भी कहा कि हम चुनाव आयोग में जाएंगे, इसकी जानकारी भी दी जाएगी कि जो भी योजनाएं बीजेपी ला रही है, जैसे नमामि देव नर्मदे हो या कोई भी हो, बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही चलाई जा रही है और बीजेपी को ही लाभ पहुंचाने के लिए ये योजनाएं लाई गई हैं। बिल्कुल, शुक्रिया सत्यम। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सिंहदेव सुकमा में कवासी लखमा का प्रचार करने आए थे। कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव सुकमा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। उन्होंने आदिवासियों की जल जंगल जमीन से जुड़ी समस्याओं के निराकरण की भी बात कही। सिंहदेव ने कहा कि बस्तर के आदिवासियों को सिंचाई सुविधाओं की सख्त जरूरत है, सरकार बनने पर इस दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। सुकमा के से कांग्रेस विधायक कवासी लखमा लगातार 3 बार इस इलाके से चुनाव जीत चुके हैं। आज पटना में मिली जुली सभा में उपस्थित हुए हैं, एक मकसद घोषणा पत्र के लिए जानकारी लेने का था, वो लेट से आने के कारण हम लोग पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है, उसको हम लोग ले लेंगे। यहाँ क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वो बातें सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए अभी लोगों ने बताया कि एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध हो पा रहा जिसके चलते बहुत दिक्कत जा रही है, दूसरी से लेके मितानिन से लेके जितने लोग ग्रामीण स्तर पे काम पे रहते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होंगी, बहुत सारी बातें मन में है। घोषणा पत्र के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे और सिर्फ कहेंगे नहीं, उतनी ही बातें उसमें लिख के देंगे जिसको हम लोग करके आमजनों को उपलब्ध कराएंगे। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, ऐसा कुछ टीएस सिंहदेव ने कहा है। इस पर हम अपने संवाददाता संजीव पचौरी से बात करते हैं। संजीव जी, कर्ज माफ कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो? जी, कल सुकमा में टीएस सिंहदेव जी का आम सभा थी जी, इसमें उन्होंने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। अब किसानों के लिए उन्होंने वहां पर नहर बनाने की बात भी की है, सिंचाई सुविधा को बढ़ाने की बात भी की है, उन्होंने नक्सलवाद को खत्म कैसे किया जाए बातचीत करके इस पर भी बात की है जी। और जब से चुनाव चालू हुए हैं तब से टीएस सिंहदेव को फुल प्रेस हुए छत्तीसगढ़ में दौरा करने के लिए बोला गया है और वही लीड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जी। यही बात किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा राहुल गांधी ने कही थी, वही बात टीएस सिंहदेव ने दोहराई है जी। बिल्कुल, कांग्रेस की नीति रही है कि किसानों का कर्ज माफ करने की बात उन्होंने कही है दोनों जनों ने। हालांकि ये जो कर्ज माफी है ये कहीं ना कहीं चुनावी सिग्नेचर भी होता है और कहीं ना कहीं जो एक स्वावलंबी बनाना है किसानों को, उस दिशा में विरोध भी पैदा करता है क्योंकि आप जो कब तक कर्ज माफ करते रहेंगे लोगों का,
तो बहुत जरूरी है कि कर्ज माफ ना करके स्वावलंबी कैसे बने किसान, सक्षम बिल्कुल, कैसे बने, बिल्कुल संजीव जी, इस पर काम किया जाए। जी शुक्रिया संजीव जी। कर्ज माफ करने से बेहतर होगा कि उनको सुविधाएं दी जाएं। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रीवा के सेमरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला, जहां लोग सालों से रोड नहीं बनने की समस्या को लेकर परेशान हैं। रोड नहीं तो वोट नहीं। रीवा के सेमरिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। शिवराज सिंह चौहान त्योथर सिरमौर सेमरिया होते हुए जन आशीर्वाद यात्रा के रथ पर सवार होकर रीवा विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। मरहा ग्राम में शिवराज के खिलाफ ग्रामवासियों का गुस्सा देखने को मिला। ग्रामीणों ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सेमरिया से रीवा मार्ग के बीच रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाकर अपना विरोध जताया। लोगों का कहना है कि सेमरिया विधायक से कई बार शिकायत करने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे परेशान ग्रामवासियों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया। यहाँ पे रोड नहीं है, और अगर बरसात में तो अगर पानी गिर जाए, किसी की डिलीवरी है, किसी बीमारी है तो मर ही सकता है, बाकी यहाँ रोड तक नहीं पहुँच सकता है। ये सामने गाँव बस्ती हरिजन आदिवासियों की बस्ती बसी हुई है, और सभी वर्ग के लोग हैं, करीबन 600-700 लोग हैं, और 40 साल से अंग्रेजों के मतलब उस तरह के आज भी यहाँ तकलीफ है, कोई पैदल भी यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये चाहेंगे कि वहाँ उनका ध्यान आकृष्ट हो। पूर्व में भी इसमें कई बार हमने प्रयास किया, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई टेंडर लिया था उसने छोड़ दिया, और आज भी नर का जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वह कई वर्षों से रोड की समस्या से लगातार जूझ रहे हैं। रोड नहीं होने के कारण लोगों को आने जाने में, बच्चों को स्कूल और बीमारों को अस्पताल ले जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर सालों से परेशान ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। फिलहाल समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आनंद जी की चर्चा हमेशा इसलिए होती है कि सावधानी कोचिंग के संचालक हैं, नए विद्यार्थियों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन अभी आनंद की चर्चा है नशे के खिलाफ एक अभियान को लेकर। क्या है अभियान पहले तो ये बताइए। हमेशा जहां भी आनंद सावधानी का नाम आता है तो सब लोग जो आपने बोला वैसे ही मुझे जानते हैं कि एक वो व्यक्ति जो लोगों को रोजगार तक पहुंचाता है, लेकिन कुछ समय से मेरा नाम बदनाम भी हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि नेतागिरी का भूत तो नहीं चढ़ा। मैं आपके चैनल पे आज पहली बार किसी न्यूज चैनल पे बोल रहा हूँ कि जिंदगी में कभी भी आनंद सावधानी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ेगा, न किसी राजनीतिक पार्टी में जाएगा। ड्रग मिलाए जाते हैं हुक्के में और पिलाए जाते हैं, ये सच है? ये 100% सच है। हुक्के की आड़ में लड़खड़ाता यौवन, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं शिक्षाविद आनंद सावधानी से, जिन्होंने एक अभियान चलाया हुक्के के खिलाफ। मुझे नशे से आपत्ति नहीं है, नशा जो करता है वो तो खराब है ही चीज, लेकिन ये हुक्का का जो नशा है वो बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। आप देखें हुक्के में कोई 40 साल का 50 साल का व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा, 14 साल के 18 साल या 14 15 16 17 साल के बच्चे मिलते हैं। बेबाक बात सिर्फ दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल ने शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाया कि शिवराज सिंह और बीजेपी ने सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब की है। कांग्रेस नेता गोविंद गोयल ने कहा कि शिवराज सिंह के इशारे पर कांग्रेस नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। गोयल ने नवरात्रि और दशहरा में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिवराज सिंह ने उन्हें बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया है। गोयल ने अपने ऊपर लगे आरोपों से पल्ला झाड़ा और कहा कि वो बीजेपी कार्यालय में मित्रों से मिलने गए थे। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थे और आगे भी रहेंगे। गोयल ने परवलिया में हुए घटना के क्रम को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनके द्वारा कोई भी सरकारी जमीन पर ना तो कब्जा किया गया है और ना ही
गुंडे भेजे गए हैं। उसमें करके 12:30 एक मैंने बेटा ये सब क्या हुआ, बच्चे ने मेरे को पूरी घटना बताई, मैंने कहा घटना पूरी की पूरी कल लिखित में मुझे देना, पूरी की पूरी सच्चाई मुझे लिखित में देना। लेकिन मेरा दिमाग खराब हुआ क्योंकि मैं सरकारी जमीन पे कब्जा करूं या सरकारी काम में बाधा डालूं, उसके लिए एक कागज मेरे पास आया। मैंने पटवारी लवाना से पहली बार जिंदगी में 1:15 फोन लगाया और फोन लगा बात की। पहले तो मुझे समझाते रहे, समझाने के बाद माफ़ी मांगने लगे। सुनिए मैंने छोड़िए, पहले यदि माफ़ी मंगवाना है या FIR दर्ज करना उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए जिसने सरकारी कागज में ये लिखा है, जिसने सरकारी कागज में लिखा है कि गोविंद गोयल ने वहाँ पर आकर सरकारी काम में बाधा डाला और गोविंद गोयल ने इस तरीके का दुष्कृत किया, गुंडागर्दी करी। चुनाव में टिकट मिलने के बारे में जब पूछा गया तो गोयल ने कहा कि पार्टी हाईकमान जो कहेगा वो सबके लिए मान्य होगा, पार्टी चाहेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने चेकिंग अभियान चला रखा है। इस दौरान कई जगह कारों से बड़ी मात्रा में नकदी मिल रही है। छतरपुर और भोपाल में कारों से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। छतरपुर में पुलिस के सघन चेकिंग अभियान के दौरान ओरछा रोड पर एक कार से 2,20,000 रुपए जब्त किए गए। कार उत्तर प्रदेश से छतरपुर की ओर आ रही थी। पुलिस और नायब तहसीलदार ने पैसों की जब्ती कर कार मालिक से पूछताछ की। कार चालक रुपयों को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। छतरपुर में कार से रुपए पकड़े जाने की यह 5वीं घटना है। FST टीम के द्वारा जो चुनाव में अन्य व्यय करते हैं लोग और उसका दुरुपयोग भी करते हैं, पैसे का वितरण करते हैं, तो इस दौरान जो चेकिंग की गई है उसमें एक व्यक्ति 800 था जो कि किन्हौली थाना नरेनी का निवासी था, उसमें 2,20,000 रुपये रखे हुए था। उस रुपए के संबंध में उसने कोई डिटेल्स नहीं बता पाया कि मैं कैसे लाया, कहाँ से लाया, और इसलिए उसको जब्त कर लिया ये शंका के मानते हुए कि इसका दुरुपयोग शायद चुनाव में करेगा। इधर भोपाल इंदौर हाईवे पर स्थित फंदा नाका पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो अलग अलग कारों से लाखों रुपए जब्त किए हैं। खजूरी पुलिस ने बाबू भाई मिस्त्री की स्विफ्ट कार से 2,38,000 रुपए जब्त किए। वहीं चेकिंग के दौरान भोपाल कोहिफिजा निवासी पीयूष जोशी की कार से 7,00,000 रुपए जब्त किए गए। आज 7:30 के आसपास फंदा टोल नाके पर दो वाहन से कुछ राशि जब्त हुई है, जिनकी जब्ती की कार्रवाई संपन्न कराई गई है। और ये वाहन मालिक एक हैं बाबूलाल मिस्त्री जी, जिनके पास से करीब 1,97,260 रुपये, और एक वाहन मालिक हैं पीयूष जोशी जी, जिनके पास से 7,27,400 रुपये की जब्ती हुई है, जो संयुक्त रूप से SST की टीम एवं पुलिस की टीम द्वारा की गई है। और इस पर जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार इस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी में रह चुके बीजापुर जिला पंचायत सदस्य बसंत टाटी सहित 200 कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव के समक्ष कांग्रेस ज्वाइन की। TS सिंहदेव ने इन सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकास खंड में TS सिंहदेव का जोरदार स्वागत किया गया। भोपालपट्टनम में नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य बसंत टाटी और जनपद सदस्य नीला यालम सहित 200 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सिंहदेव ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर बीजेपी से कांग्रेस में आए युवाओं का स्वागत किया। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव ने कहा, इस सरकार ने जो वादे भोपालपट्टनम की जनता से किए थे उसे पूरा नहीं किया है, ऐसी सरकार को बदलने की आवश्यकता है। पटना में मिली जुली सभा में उपस्थित हुए हैं, एक मकसद घोषणा पत्र के लिए जानकारी लेने का था, वो लेट से आने के कारण हम लोग पूरी जानकारी अभी नहीं मिली है, उसको हम लोग ले लेंगे। यहाँ क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, वो बातें सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए अभी लोगों ने बताया कि एक तो जाति प्रमाण पत्र नहीं उपलब्ध हो पा रहा, जिसके चलते बहुत दिक्कत जा रही है। दूरी से लेके मितानिन से लेके जितने लोग ग्रामीण स्तर पे काम पे रहते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं होंगी, बहुत सारी बातें मन में हैं। घोषणा पत्र के माध्यम से आप लोगों के समक्ष हम लोग उसको प्रस्तुत करेंगे और सिर्फ कहेंगे नहीं, उतनी ही बातें उसमें लिख के देंगे जिसको हम लोग करके आमजनों को उपलब्ध कराएंगे।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि अमेठी में छोटी पिन का चार्जर तक ना बना पाने वाले छत्तीसगढ़ में आकर मेड इन रायपुर मोबाइल की बात करते हैं। राजनांदगांव में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष को आड़े हाथों लिया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने पत्रकार वार्ता में रमन सिंह के द्वारा किए गए विकास कार्यों का गुणगान किया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निशाना साधा। जहां राहुल गांधी जहां भी जाते हैं वो मोबाइल फोन अपना दिखाते हैं, बहुत बड़ी कोई कंपनी की मोबाइल फोन दिखाते हैं और कहते हैं मेड इन छत्तीसगढ़ होना चाहिए, मेड इन राजगांव राजनांदगांव होना चाहिए, मेड इन रायपुर होना चाहिए, ये सब बोलते हैं मगर अपने अमेठी में एक छोटे पिन वाला चार्जर भी नहीं बनाते। मगर यहाँ तो स्वयं रमन सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार 50 लाख से भी अधिक महिलाओं को, और अब महिला आगे बढ़ती है तो पूरा का पूरा परिवार आगे बढ़ जाता है, ऐसे 50 लाख महिलाओं को जिस प्रकार से मोबाइल फोन देने की बात की है और दिया जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के गृहनगर राजनांदगांव से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। चुनावी आपाधापी के बीच राजनांदगांव कलेक्ट्रेट के ठीक सामने एक बुजुर्ग ने खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। लोगों और पुलिस की मदद से 80% जल चुके इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बुजुर्ग के पते ठिकाने के बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। राजनांदगांव मुख्यमंत्री की विधानसभा है और जहां से रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं वहां कलेक्ट्रेट के सामने आत्मदाह किया जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। रेलवे में कोई भी इंजन चला सकता है। एक पॉइंटमैन का इंजन चलाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा और अधिकारी चुप्पी साध के बैठ गए। इटारसी के यार्ड में ड्यूटी के दौरान एक पॉइंटमैन का इंजन ऑपरेट करता हुआ वीडियो पॉइंटमैन मान सिंह यादव ने डीआरएम को ट्वीट किया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और डीआरएम ने मामले की जांच के आदेश दिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो ने रेलवे में हड़कंप मचा दिया है। इटारसी GC4 पर पदस्थ पॉइंटमैन महेंद्र मेहरा को इंजन ऑपरेट करना इतना महंगा पड़ गया कि अब ऊपर से नीचे तक सवाल जवाब होने लगे हैं। मामले के तूल पकड़ने से स्वयं स्थानीय अधिकारी भी हैरान परेशान हैं। इस मामले की जांच शुरू हो गई है। बताया गया है कि मानसिंह पूर्व में भी ऐसा कर चुका है। गंज बासौदा गुलाबगंज में पदस्थ रहने के दौरान मानसिंह ने ड्यूटी को लेकर एक वीडियो रेल मंत्री को ट्वीट किया था, जिसके बाद उसे बतौर सजा इटारसी स्थानांतरित कर दिया गया। इस मामले में जब रेलवे अधिकारियों से बात करना चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। भैंसों की चोरी में हेराफेरी का मामला सामने आया है और यह हेराफेरी की भी तो किसने? 3 पुलिस वालों ने। अब इस भैंस कांड के आरोपी पुलिस वालों पर गाज गिर चुकी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की बक्सवाहा पुलिस का अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें चोरी गई 24 भैंसों में से पुलिसकर्मियों ने 18 भैंसों की बरामदगी कर जब्ती बनाई और बाकी 6 भैंसों को 3 आरक्षकों ने पचा लिया। मामले से पर्दा उस वक्त उठा जब फरियादी खरीदी हुई 24 भैंसों की पक्की रसीद का सबूत लेकर थाने पहुंचा और थाना प्रभारी ने जांच की तो पता चला कि चरण यादव, विजय अहिरवार और सरमन नाम के 3 आरक्षकों ने साजिश के तहत 6 भैंसों को गायब कर दिया था और 18 भैंसों की जब्ती बनाकर अधिकारियों को भी गुमराह किया। जंगल से सानोदा के से आया कि सब मेरी भैंसें मिल गई, उसने मुझे आवेदन पत्र दिया और मैंने उससे कहा भी कि भाई कोई आपको कार्रवाई चाहिए हो तो बताइए, लिख के दीजिए आपको जो भी जरूरत हो। तो उसने कहा कि मेरी भैंसें मिल गई, मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन अब जिन लोगों को ये काम हमने स्टाफ के सौंपा था उस संबंध में हमें भी ठीक नहीं लगा, तो इस संबंध में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जिनकी त्रुटि थी उनके खिलाफ एक प्रतिवेदन भेजा है। वो श्रीमान का जैसा भी होगा, चूंकि विभागीय मामला है, उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी को मामला गड़बड़ नजर आया तो उन्होंने खुद मामले की जांच की और 3 आरक्षकों को इसकी साजिश का
दोषी पाया। इस बात की लिखित शिकायत थाना प्रभारी ने एसपी से की। एसपी का कहना है कि आरक्षकों की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है, 2-3 दिन के भीतर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बक्सवाहा में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई में 3 आरक्षकों ने अनियमितपूर्ण कार्रवाई की है, इस तरह की बात जानकारी में आई थी तो उसकी जांच कराई गई है और जांच में जांच जो रिपोर्ट आई है वो मेरे पास पहुंच गई है, तो प्रक्रिया के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है और कठोर दंडात्मक कार्रवाई निश्चित ही की जाएगी। पुरानी कहावत है अकल भरी या भैंस, लेकिन इस मामले में लगता है तीनों पुलिस वाले की अकल मात खा गई और भैंस बड़ी साबित हुई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।